हे गाइस, वेलकम बैक टू राउंड टू फ्लिक्स। दोस्तों, वैसे तो हर हफ्ते बहुत सी वेब सीरीज रिलीज होती रहती है, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम उन मास्टरपीस वेब सीरीज को कवर करने वाले हैं जो आपको एक मिनट के लिए भी बोर होने ना दे और अपनी जबरदस्त स्टोरी से आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जोड़े रखें। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के टॉप 5 वेब सीरीज का एक काउंटडाउन। हमारे नंबर 5 की वेब सीरीज है स्क्वेड गेम, जो कि ये साल 2021 में एक एक्शन ड्रामा मिस्ट्री वेब सीरीज है। इस सीरीज में स्टोरी दिखाई गई एक बहुत ही खतरनाक डेडली गेम की, जिसमें 456 ऐसे लोगों को ज्वाइन कराया जाता है जो कि भूखे नंगे हो, बैंक का कर्जा सर पर हो, जिनकी लाइफ बद से बदतर हो। और गेम शुरू होने से पहले इन लोगों को ये नहीं पता होता, इस गेम में जो भी बंदा एलिमिनेट होगा वो जिंदगी से एलिमिनेट हो जाएगा, यानी मारा जाएगा। और इस गेम को जीतने वाले को एक बहुत ही बड़ा अमाउंट दिया जाएगा। और इस गेम की सच्चाई जानने के बाद ये लोग इस डेडली गेम को खेलते हैं नहीं, और अगर खेलते हैं तो इस गेम का विनर कौन होगा, ये सब कुछ आप इस सीरीज में देखिए। स्क्वेड गेम दुनिया की नंबर 1 सीरीज बन चुकी है और इसका अब तक एक ही सीजन आया है, और इस सीजन में 9 एपिसोड है जिनकी लेंथ 45 से 50 मिनट तक की है। और अगर आपने अब तक ये सीरीज नहीं देखी है तो जरूर देखिए। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग में 8.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। दोस्तों, आपने वैसे तो बहुत सी गैंगस्टर वेब सीरीज देखी होगी, लेकिन हमारे नंबर 4 की वेब सीरीज आपके दिमाग को पूरी तरीके से हिलाकर रख देगी, और हमारे नंबर 4 की मास्टरपीस वेब सीरीज है पीकी ब्लाइंडर्स। ये सीरीज स्टार्ट हुई थी साल 2014 से। ये क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है और इस सीरीज में स्टोरी दिखाई गई है थॉमस नाम के एक बंदे और उसके छोटे से गैंग की, जो कि पीके ब्लाइंडर नाम से जाना जाता है। और इस गैंग की चाहत होती है पूरे लंदन पर राज करने की, और थॉमस को यह मौका तब मिलता है जब उनके हाथों हथियारों से भरा गवर्नमेंट का एक कंटेनर उनके हाथ लग जाता है, और थॉमस उन हथियारों को गवर्नमेंट के दुश्मनों को बेचने लगता है। जिसके बाद चेस्टर, जो कि एक पुलिस वाला होता है, थॉमस और उसकी गैंग के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। और आगे क्या कुछ होता है ये सब कुछ तो आप इस सीरीज में ही देखिए। इस सीरीज के अब तक 5 सीजन आ चुके हैं और इस सीजन में 30 एपिसोड है जिनकी लेंथ 1 घंटे तक की है। लेकिन इतनी दमदार सीरीज होने के बाद भी अब तक इस सीरीज को हिंदी डब नहीं किया गया है, जो कि बहुत ही गंदी बात है। सीरीज को रेटिंग में 8.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सेक्स और ड्रग से भरपूर हमारे नंबर 3 की मास्टरपीस वेब सीरीज डॉम। ये सीरीज है ये साल 2021 में एक क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है। इस सीरीज में कहानी दिखाई गई है पुलिस वाले की, जिसका काम होता है ब्राजील में जितने भी इलीगल ड्रग्स के धंधे हो रहे हैं उनको रोकना है, युवाओं को बचाना है ताकि उनको ड्रग्स की लत ना लगे। और इस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी इसी काम में गुजार दी है और दूसरों को बचाते बचाते ही अपने घर को ही भूल गया है। इसका खुद का ही बेटा ड्रग्स की लत में बहुत ही बुरी तरीके से पड़ जाता है, और देखते ही देखते इसका बेटा ब्राजील का मोस्ट वॉन्टेड क्रिमिनल बन जाता है। और आगे क्या कुछ होता है ये सब कुछ आप इस सीरीज में देखिए। इस सीरीज का अब तक सिर्फ एक ही आया है। इस सीरीज में 8 एपिसोड है जिनकी लेंथ 50 से 55 मिनट की बीच की है। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग में 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट वेब सीरीज की ओर, और हमारी सबसे धमाकेदार वेब सीरीज है मनी हीस्ट। ये सीरीज स्टार्ट हुई थी साल 2017 से। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है। इस सीरीज में स्टोरी दिखाई गई है चोरों के एक ग्रुप की, जो कि मिलकर इतिहास की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देने का प्लान बनाते हैं। और ये इस चोरी को अंजाम देने के लिए घुस जाते हैं रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में, और रॉयल मिंट में जाकर इनकी पूरी तरीके से वाट लग जाती है। और ये चोरी चोरी में कामयाब होते हैं या नहीं, ये तो हमको फाइनल सीजन में ही पता चलेगा, और फाइनल सीजन 3 दिसंबर में आएगा। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग में 8.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बढ़ते हैं अपनी लास्ट वेब सीरीज की ओर, और हमारी लास्ट और मास्टरपीस वेब सीरीज है ल्यूपिन। इस
सीरीज आई है साल 2021 में। एक एक्शन क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है। इस सीरीज में कहानी दिखाई गई है असैन नाम के एक बंदे की, जो कि एक बहुत ही शातिर चोर होता है। इसके पिता इसको बचपन में ल्यूपिन नाम की एक बुक देते हैं, जिसमें ल्यूपिन नाम के एक चोर की कहानी होती है। उसी बीच इसके पिता को एक चोरी के केस में फंसा दिया जाता है और इसके पिता को जेल हो जाती है और वो जेल में खुद को फांसी लगाकर मर जाते हैं। पर इस बात पर असैन को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि उसके पिता एक चोर थे। और जब असैन बड़ा होता है तो ये ल्यूपिन की तरह चोरी करना शुरू कर देता है और साथ ही साथ अपने पिता को बेगुनाह साबित करने का प्लान बनाता है। दूसरी ओर ये एक बहुत ही बेसकीमती हीरो के हार को चोरी करने का भी प्लान बनाता है। और आगे ये इस चोरी में कामयाब होता है या नहीं और अपने पिता को बेगुनाह साबित कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ आप इस सीरीज में देखिए। ये एक मास्टरपीस वेब सीरीज है जो कि आपको एक मिनट के लिए भी बोर होने नहीं देगी। और इस सीरीज के 2 सीजन आए हैं जिनमें टोटल 10 एपिसोड है। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग में 7.5 out of 10 IMDb पर। सो गाइज, आई होप आपको सभी वेब सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। और इस लिस्ट की आपकी सबसे फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है ये कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय। Spread your wings and fly, go!